मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरे मुंह पे रिंकल्स पड़ चुके हैं। क्या मैं मेरे लिए इजाजत है कि मैं मस्जिद में नमाज ना पढ़ूँ, घर में पढ़ूँ? तो लेकिन मैंने कहा कि हल तस्मा हय अला सलाह व हय अल फलाह, कि क्या तुम्हें आवाज आती है हय अला सलाह की और हय अल फलाह की? जी रसूल, आवाज तो आती है। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारे लिए नमाज है तो मस्जिद नहीं है। और सुभानअल्लाह, हम लोग कांटा चुभ जाए तो मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, कितना चलो आज घर में ही पढ़ लेते हैं। छींक आ जाए तो आज तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, आज मस्जिद नहीं जाते हैं। मुझे अब ये बताएं कि छह उजर नाबीना है, घर मस्जिद से बहुत दूर है, कोई लाने वाला नहीं है, बीच में दरख्त और झाड़ियां हैं, जानवर हैं, भेड़िए हैं जो खाने वाले, और खुद इतने कमजोर कि हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, ये छह उजर, कि फिर भी उनको अल्लाह के नबी ने जो रहमतुल आलमीन है इजाजत नहीं दी, क्योंकि नमाज का मामला बहुत संगीन है। मुझे ये बताएं कि हम लोग कौन सा ऐसा उजर, सातवां उजर अल्लाह को क्यामत यहाँ पेश करेंगे कि अल्लाह हम मस्जिद क्यों नहीं जाते थे।